हाँ भाई जैद, दाल चावल खा लो। व्लॉग स्टार्ट हो गया, पहले वेलकम तो कर दो, दो चार को। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। कोई नहीं गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडेस व्लॉग। आज दाल चावल खाते हुए ये बच्चा कहाँ जा रहा है? मीडिया क्लिक करना, मीडिया दिखाना भाई। दोनों हो गया, ये देखो ये बालक गाड़ी वाड़ी दाल चावल खाता है। और हम लोग जा रहे हैं आज भानगढ़ घूमने। जगह ज्यादा नहीं हो रही थी तो इसमें बीच में लिहाफ घुसाया है। ये बिठाई है सवारी बीच में। चलो चार्जिंग पे लगा लेना, फोन आगे लग जाएगा। क्या व्लॉग काहे के लिए बन रहा है? व्लॉग तो बनी भगवान ही जैसा रहा है। और इसमें दाल चावल व्लॉग तो भगवान ही से बन रहा है। तो गाइस ये रामगढ़ का डैम है। अभी हम भानगढ़ जा रहे हैं ना, भानगढ़ उससे पहले पड़ता है रामगढ़, तो उसका डैम है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, चंद्र संख्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन। राजस्थानी हो, राजस्थानी कल क्या तुम से अच्छा कल्चर लगता है राजस्थान का। गाइस आ चुकी है मूंगफली, आधा किलो मूंगफली आ चुकी है गाइस। पाव वाला मूंगफली दिखाओ, भानगढ़ नहीं आया फिर मूंगफली है। सो वी आर एंजॉयिंग मूंगफली व्हाइल गोइंग टू भानगढ़। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम भानगढ़, वो उसकी एंट्री है, एक खड़ी गाड़ी। ये रेस के टिकट भानगढ़ के कितने का दिया? 25 रुपए के। भाई यहाँ शराब देने के बाद ये सब नष्ट कर दिया गया था। ये तो पूरा गांव तो था यार बड़ा सा। और मगर ये देखो जब अभी इतनी सुन खड़ा हो जाए मुझे दिखेगा नहीं कौन खड़ा। हाँ आदमी खड़ा बस। हाँ वो समझ के तो पता था कि वही है। Thank you.
मुड़ के देखो कुछ लग रहा है तो क्या सर हाँ यू कैन सी समवन इज देयर ये वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा यस हाँ सो हाय हेलो जो भी है चलो वी आर ऑलरेडी जाओ देखो अगर अपनी वी आर आउट ऑफ जोन अरे आ रहे भाई हिस्ट्री तो पता कर ले आ रहा है वहीं को बता दें चलो अबे यार चलो गाइस एक मिनट रुको बाहर जाके फिर बताते हैं मिस्ट्री आपको दोबारा से गेट के बाहर खड़े हैं हम अभी अंदर मतलब अभी शेर आ जा अरे आओ यार चल जल्दी बता दूंगा आ जा तो उसने ये बताया कि रानी रत्नावली थी और राजा भगवान दास तो उनकी जो एज थी ना सुन रहे फैसल भाई तो रानी की जो एज थी 18 साल थी रानी स्मार्ट बहुत थी खूबसूरत थी तंत्र बाजार जो लगता है ना ये महल के पास जो बाहर वहाँ से वो लेने गई थी इतर अपने काफिले के साथ तो उन्होंने 3 इतर लिए थे तो एक तांत्रिक बैठे तो ये भी बता दिया हाँ, तो एक तांत्रिक बैठे थे वहाँ पे उन तांत्रिक ने क्या करा उसके इतर पे काला जादू कर दिया उसका दिल आ गया था उसके ऊपर तो उसकी जो फ्रेंड थी ना उसकी जो फ्रेंड थी तो तुम सही करे थे वही है भाई वही था टाइगर ही था वो टाइगर ही था लेपर्ड वगैरह कुछ होगा लेपर्ड होगा वहाँ भाई वो पे लंबा होता है बड़ा जानवर था अच्छा इतना ऊंचा बात भाई यार स्टोरी आधे रह गई थी उस रानी की बताइए वापस शुरू कहाँ से करी थी मैंने तो ये भूल गया वो इतर पे हाँ तो उसने 3 इतर लिए तो उसने तांत्रिक ने इतर के ऊपर काला जादू कर दिया एक्सपर्ट थे काले जादू में तो रानी ने देखा नहीं था मैं करता था बाजार में तो उसकी जो फ्रेंड थी ना रानी की उसने बता दिया उसको आगे जाके ये तंत्र मंत्र कराया उन्होंने इतर के ऊपर उसने क्या करा इतर फेंक दिया वो रानी ने और एक विशाल पत्थर था बड़ा पत्थर उस पर जब फेंक के मारा ना इतर की शीशी तो इतर उस पर फैल गया था पूरा तो इतर लुढ़कता हुआ वो तांत्रिक के पास चला गया वो सॉरी पत्थर नहीं उसने जो काला जादू करा ना वो तो जादू करा उसने उस जादू से वो डायरेक्शन उस पत्थर की वही हो गई तांत्रिक की तरफ और वो पत्थर जाके तांत्रिक को ऊपर चढ़ गया तो तांत्रिक गया था मर तो तांत्रिक ने मरने से पहले ये शाप दिया था हाँ तो तांत्रिक ने ये सोच क्या करा था कि रानी लगाएगी तो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी ये कॉन्सेप्ट है इसका एक और सेना थी यहाँ अजबगढ़ की सेना से इनकी लड़ाई हुई अजबगढ़ की सेना बड़ी थी उसने घुस के इसके लिए गंदा सबको मार दिया था तो जो उसने नरसंहार करा था ना उनके यहाँ की रोने की आवाज़ें आती थी बच्चों की औरतों की जिनको मारा गया था इसके लिए गंदर तो उस लेडीज़ की आवाज़ आती थी तो यहाँ गाँव वालों ने शिकायतें भी करी इस बात की इसमें सोना था तो गाँव वालों ने ये बोल दिया गंदर मत जाना यहाँ पे सब भूतिया जगह है खुफिया जगह है हॉन्टेड प्लेस है तो यहाँ से गाँव वाले छोड़ के चले गए थे इस जगह को तक उस टाइम तक भी ASI ने इसको रजिस्टर्ड नहीं किया था अपने डेटा में अब जाके 5 साल से ये किला ASI के हिस्से में 300 रुपये होगा सबको निकालो चलो अब गाड़ी में चलते हैं तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर यही इसकी हिस्ट्री थी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और वहाँ भाई जो साधु जी तम का क्या नाम था साधु जी का नाम दूसरे वाले का बालकनाथ था जिन्होंने इसके बालकनाथ कौन से वाले का था अरे हाँ हिस्ट्री मिस हो गई यार दूसरे हाँ लड़ाई अजब सेना जो आई थी ना अजब सेना के साथ साथ एक केस और हुआ था जब ये महल बन रहा था ना पूरा होने वाला था तो राजा से एक उन्होंने बाबा ने कहा था कि महल ज्यादा ऊंचाई में मत बनाना वरना इसकी परछाई मेरी कुटिया पे पड़ेगी राजा माने नहीं राजा ने बना दिया कुटिया परछाई पड़ी उसे क्रोध आ गया बाबा को बाबा ने ये महल खत्म करा दिया था बाहर वाला सो दिस वाज द ओनली हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट मतलब अभी हमें जो जानवर मिला था ना मे बी इट वाज टाइगर और समथिंग लाइक लेपर्ड और बियर बियर भी नहीं होगा सबसे इधर हमारे फैसल भाई उनके बाद हमारे वसीम भाई
और एक छोटा सा हमारा साथ ये बैठा, छोटू ये भी था। अब ताजमहल मंदिर गए थे हम बैठे।